हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तीन ऐसी एप्स जो आप यूज कर सकते हो लोकल कैब्स बुक करने के लिए थाईलैंड में, क्योंकि वहां पे ओला एंड उबर आप यूज नहीं कर सकते। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अलोन या फैमिली के साथ, तो ये एप्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बुक कर सकते हो और कैसे आप कंपेयर कर सकते हो रेट्स, एंड कुछ टिप्स जो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइस, नंबर वन ऐप है ग्रैब, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आपको दिखा देता हूँ उसका इंटरफेस कैसा है, सीधे चलते मेरे स्क्रीन पे। सो गाइस, आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ आपको सर्च में टाइप करना है ग्रैब। ये सारी एप्स आपको दिखेगी, उसमें से आपको ये वाली ऐप सिलेक्ट करनी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और गाइस, मेक श्योर करना कि जो डाउनलोड्स है वो 100 मिलियंस होने चाहिए। तो 100 मिलियन वाली ही आपको ऐप सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ही आपने डाउनलोड कर दिया, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन दिखेगी आपको। उसमें आप लॉगिन पे क्लिक करना और अपना मोबाइल नंबर कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर करना। इसमें गाइज आपको आपका थाईलैंड का जो आपने सिम लिया है वो वाला नंबर आप डालना, ताकि जो लोकल है टैक्सी वाले उनको ये ना लगे कि आप इंडियन है और आपको वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इसमें आपका थाई नंबर डालें जो आप वहाँ पे सिम कार्ड लेंगे, और उसी से आप कैब बुक करें। आप इंडियन नंबर से भी कैब बुक कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप थाई नंबर जो आपका है थाईलैंड वाला, वही आप इसमें डाल के आप इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद गाइज आपको एक OTP आएगा और उस OTP को आपको ऐप में डाल देना है, अपना नाम एंटर करना है, नेक्स्ट पे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और ऐप को लोकेशन की परमिशन दे दो। और गाइज उसके बाद आपको अपना करंट लोकेशन डालना है, तो यहाँ मैंने थाईलैंड सिलेक्ट किया है। और उसके बाद आपको गाइज आपको ऐसा कुछ दिखने मिलेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और फिर आप अपनी करंट लोकेशन, जो कि मैंने अभी डाला है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, और मैं आपको डेमो दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने सुवर्णभूमि डाला है। फिर ये आपको पूछेगा गाइज सेल्फी लेके एक वीडियो बना के फेस वेरिफिकेशन करने लगाएगा, ये आपको करना है। और इसमें आपका सर गोले के अंदर होना चाहिए उसमें, और फिर आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन। उसके बाद गाइज आप ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें फिर आपको करंट लोकेशन डालना है, जैसे मैंने डाल दिया अभी यहाँ पे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। और मेक श्योर करना गाइज कि आप अगर एयरपोर्ट से बुक कर रहे हो कैब, तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में अराइवल के एग्जिट्स, बहुत सारे एग्जिट गेट्स हैं, तो आप कौन से एग्जिट गेट पे हो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। और मैंने डेमो के लिए यहाँ पे रेडिसन स्वीट्स सिलेक्ट किया है, रेडिसन ब्लू होटल। तो जैसे ही आप ये डाल दोगे, उसके बाद ये फिर आपको पूछेगा कि कौन सा एग्जिट गेट पे आप खड़े हो, वो आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद गाइज यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के जो ऑप्शंस हैं इनके पास वो अवेलेबल है। तो एवरीडे राइड जो सेकंड ऑप्शन है फॉर यू के बाजू में, वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैंने सिलेक्ट किया एवरीडे राइड, ये सबसे सस्ती होती है और मोस्टली यही लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये 346 बात बता रहा है, तो आप ऑफर्स में जाके फर्स्ट टाइम अवेल कर रहे हो तो 30% ऑफ मिलेगा। तो देखो गाइज ये 346 से 296 बात हो गया, और फिर आप सीधा जाके इसको बुक ग्रैब कार कर देंगे तो आपका गाड़ी आ जाएगा। आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हो जैसे आप करते हो ओला उबर में, और ड्राइवर से बात कर सकते हो, उनको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इंग्लिश में बात करके उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। नंबर टू ऐप है गाइज बोल्ट, और इसको कैसे यूज़ करना है वो आपको दिखा देता हूँ, चलते हैं मेरे स्क्रीन पे डायरेक्टली। सो गाइज आपको प्ले स्टोर में जाके फिर बोल्ट टाइप करना है, BOLT, और ऐसी कोई ऐप दिखेगी आपको। मेक श्योर करना कि रेटिंग अच्छी हो, 4.8 और 50 मिलियन डाउनलोड्स है इस ऐप के। तो यही ऐप आपको डाउनलोड करनी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, और यहाँ आपको लोकेशन में सेट ऑटोमेटिकली क्लिक कर देना है, ताकि आप थाईलैंड में हो तो आप वो अपने आप थाईलैंड की लोकेशन ले लेगा आपकी। यहाँ पे मैंने पिकअप पॉइंट फिर से डेमो के लिए सुवर्णभूमि एयरपोर्ट डाला है, और जैसे कि आप देख सकते हो एक बार आपने कंफर्म कर दिया, उसके बाद डेस्टिनेशन रेडिसन ब्लू डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे फिर से ऑप्शंस आ गए टैक्सी के। अगर आप चार लोग हैं तो आप नॉर्मल टैक्सी ले सकते हो,
और अगर आप सिंगल हो तो आप मोटर बाइक पे भी जा सकते हो, बस लगेज का ध्यान रखना, अगर लगेज ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें जो गाइस इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो मोस्टली मैं तो इकोनॉमी से ही घूमता था। और जैसे आप देख सकते हो इसमें आप बोल्ट भी बुक कर सकते हो, लेकिन बोल्ट थोड़ा महंगा पड़ता है इस ऐप से। और अगर आप ज़्यादा लोग हो, 6 लोग हो, तो आप एक्सेल बुक कर सकते हो। और कंफर्ट वाली राइड चाहिए आपको, कंफर्टेबल कार चाहिए तो आप कंफर्ट राइड भी बुक कर सकते हो। इसके बाद गाइज आप कंफर्म ऑर्डर कर देंगे तो गाड़ी आपकी आ जाएगी आपके करंट लोकेशन पे। और गाइज पेमेंट आप कैश में ही करेंगे, आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे कैश पेमेंट कर दो और अपना काम हो जाएगा। और गाइज नंबर 3 ऐप है मूव मी, जो कि आप लिमिटेड एरियाज में यूज कर सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बुक करती है। और इसका भी इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज प्ले स्टोर पे MUVMI टाइप कर दोगे तो ये ऐप दिखेगी जो स्क्रीन पे दिख रही है। और इसको आपको देख लेना है कि डाउनलोड्स, देखो 100K वाली ऐप ही डाउनलोड करना है आपको। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें गाइज आप इलेक्ट्रिक टुक टुक ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपका इंडियन नंबर काम नहीं करेगा, इसमें आपको थाई नंबर से ही लॉगिन कर सकते हो। और ये भी ऐप गाइस कुछ कुछ एरियाज में सिर्फ यही ऐप चलती है, जैसे कि हस्की कैफ़े वाले एरिया में मैं गया था, जहाँ हस्की कैफ़े है, ट्रू लव नेवरलैंड, उस कैफ़े में गाइस उसके आसपास यही वाली ऐप चल रही थी, तो मैंने इसी से बुकिंग करी थी। तो आप इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। सो नंबर 1 टिप है गाइस, अपना थाए नंबर यूज़ करें इन सारे ऐप्स के लिए, ताकि आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और नंबर 2 टिप है, ऐप्स कंपेयर करो गाइस, दूसरे ऐप्स में क्या है प्राइस, उस हिसाब से जो सस्ता पड़ रहा है वो यूज़ करो। और नंबर 3 टिप है गाइस, हमेशा कैश यूज़ करो, और कैश में आप अपने पास चेंज कैरी करना, ताकि आपको हैसल फ्री ट्रांजिशन कर पाओ। तो गाइज ये है 3 ऐप्स जो आप यूज कर सकते हो थाईलैंड में लोकल कैब्स बुक करने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।